हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की, जिसे हिंदी में वृश्चिक राशि बोलते हैं, और वृश्चिक राशि के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। इसका निशान एक बिच्छू का निशान है। इस ग्रह के लिए अन्य शुभ ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति हैं। इस ग्रह के लिए अशुभ ग्रह बुध और शुक्र हैं, और न्यूट्रल ग्रह मंगल और शनि हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मंगल ग्रह है इस लग्न का स्वामी है, लेकिन फिर भी इसको न्यूट्रल ग्रह सम ग्रह क्यों बोलते हैं? इसका एक ही कारण है कि मंगल ग्रह की दूसरी राशि यहाँ पर छठे स्थान में आ जाती है। हर राशि की तरह, हर लग्न की तरह वृश्चिक लग्न के भी मार्का स्थान है। मार्का स्थान घर दूसरा होता है और सातवां होता है। यहाँ पर इसके लिए मार्का बुध और शुक्र दो ग्रह बनते हैं। ये एक स्थिर स्वभाव की राशि है, फिक्स्ड नेचर की राशि है। फिक्स्ड नेचर की राशि के लिए नौवां घर बाधक स्थान माना जाता है। इसलिए वृश्चिक लग्न के लिए कर्क राशि नौवें घर में पड़ने के कारण नौ जो चंद्रमा है वो बाधक पति माना जाएगा। योगा कारक वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों बनते हैं। केतु यहाँ उच्च का माना जाता है, चंद्रमा यहाँ पे 3 डिग्री का नीच का माना जाता है, और राहु को भी यहाँ पे नीच का ग्रह गिनते हैं। वृश्चिक राशि किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। यदि बात करें शादी के लिए वर या वधू ढूंढने की, तो वृष राशि वाले या वृष लग्न वाले, मकर राशि या मकर लग्न वाले, कर्क राशि या कर्क लग्न वाले, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले लोग इनके लिए बहुत बढ़िया जोड़ीदार माने जाते हैं। भाग्यशाली अंक की यदि बात करें तो 3, 9, 4 यानी कि 3, 9 एंड 4 वृश्चिक लग्न वालों के लिए भाग्यशाली अंक मानते हैं। यदि भाग्यशाली दिनों की बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और वीरवार इस लग्न वालों के लिए भाग्यशाली दिन माने जाते हैं। यदि रत्न की बात करें, किसी ने स्टोन धारण करना हो तो पीला पुखराज या गहरा लाल मूंगा या रक्तमणि सोने या तांबे में अपनी रिंग फिंगर में धारण किए जा सकते। भाग्यशाली रंग इनके लिए पीला, लाल, नारंगी और क्रीम होता है। उपवास का दिन इनके लिए मंगलवार सबसे उत्तम माना जाता है। यदि हम बात करें कि हमारी बॉडी में या इसका नियंत्रण कहाँ पर है, तो एक शब्द में बात करेंगे, हमारी बॉडी में रक्त यानी कि हमारा ब्लड जो है उसके ऊपर वृश्चिक राशि का पूरा नियंत्रण है। मंगल खून का कारण होने के नाते हमारे जो शरीर में ब्लड की क्वालिटी का भी यहीं पर वृश्चिक राशि हमारी बॉडी में रक्त की क्वालिटी यानी कि क्वालिटी ऑफ ब्लड को चेक करती है, कंट्रोल करती है और मेंटेन करती है। कोई भी बुरा ग्रह इस राशि में बैठा होगा या इस राशि का स्वामी मंगल किसी बुरे प्रभाव में होगा, तो ये सीधा सीधा हमारे खून की क्वालिटी, रक्त की जो क्वालिटी है, रक्त का जो लिपिड प्रोफाइल है, उसको इफेक्ट करता है। अब वृश्चिक लग्न वालों के रंग रूप और बनावट कैसे होते हैं? ये लोग चौड़ी आंखों वाले होते हैं, प्रभाव डालने वाले होते हैं, चौड़ा माथा होता है, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, इनकी थाइस गोल होते हैं, मोटे छोटे घुंघराले बाल अक्सर इनके सर पे देखने को मिलते हैं। यदि हम इनकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में बात करें, विशेषताओं के बारे में बात करें, तो वृश्चिक लग्न वाले लोग भावनात्मक होते हैं, गहरी भावनाएं लिए रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, बहुत ही कामुक होते हैं, रक्षात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, रोबदार होते हैं और चुंबकीय व्यक्तित्व के मालिक माने जाते हैं। यदि वृश्चिक लग्न या इसका स्वामी मंगल किसी दूषित या बुरे ग्रह से पीड़ित हो रहा हो, तो इनकी पर्सनैलिटी में क्रोधी होना, बुद्धि का चंचल होना, शीघ्र अशांत होना, निठुर होना, चतुर होना और मतभेद रखना जैसी प्रवृत्ति आ जाती है। वृश्चिक जात लगन वाले या वृश्चिक राशि के जातक प्रगाढ़ अंदर तक घुसने वाले, गोपनीयता रखने वाले होते हैं। ये अपनी बात किसी को जल्दी जल्दी जाहिर नहीं करते, शांत और चुप रहने वाले होते हैं, लेकिन यदि इनको गुस्सा दिलाया जाए तो आपा खो बैठते हैं। इनको कभी भी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता, बल्कि इनके अंदर एक मालिक बनने की हमेशा इच्छा बनी रहती है।
सरलता से मित्र नहीं बनते, लेकिन यदि एक बार आपके नजदीक आ गए तो बहुत करीबी हो जाते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। अपना स्वतंत्र विचार रखने वाले होते हैं, लेकिन इनके विपरीत विचार जो भी रखते हैं उनसे भी ये कभी उलझते नहीं है। यदि हम उन शारीरिक अंगों की बात करें जो वृश्चिक राशि के अंडर आती है, काल पुरुष की कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि आठवें घर को रिप्रेजेंट करती है। आठवां घर उसकी पक्की सीट है, इसलिए हमारे मूत्र राशि गुप्तांग रीढ़ की सबसे नीचे की त्रिकोणी हड्डी यानी कि सैक्रम सेक्शन गर्भाशय और गुदा को कंट्रोल करते हैं। ग्रंथियां और नस नाड़ियां की बात करें तो ये जननांग मूत्र प्रणाली शीशन की ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं। संभावित रोग जो इनको हो सकते हैं उनमें बगंदर, बवासीर, अल्सर, अंडवृद्धि, गुदा का संक्रमण, मूत्राशय में पथरी, मूत्राशय से संबंधित रोग, शीशन की ग्रंथि से संबंधित परेशानियां, यौन रोग, जननांग मूत्र प्रणाली से संबंधित रोग, शराबखोरी, पीठ का दर्द, रक्त का विषाक्त होना, दिल मूत्र का रुकना, हर्निया, वायु, आतिशिक, सुजाक, गले की परेशानियां जैसी समस्याएं इनके जीवन में आ सकती हैं। आजीविका की बात करें तो वृश्चिक लग्न वाले लोग कला में बहुत यश प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरी में रहने की इच्छा भी रखते हैं और करते भी हैं। यूनिफॉर्म से रिलेटेड काम करना इनको बहुत पसंद होता है। बंदरगाह, स्टोर, न्यायालय, वकील, औषधि, रसायन शास्त्री, शल्य चिकित्सा, सैनिक, शोध विज्ञान, अलौकिक खोज, अनाज का व्यापार, लोहा व इस्पात, औद्योगिक संस्थान, स्त्रियों के लिए स्वांग से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित कार्य ये लोग कर सकते हैं। हर राशि की तरह इसमें भी सवा दो नक्षत्र होते हैं। पहला एक पद विशाखा नक्षत्र का होता है जिसका स्वामी बृहस्पति होता है, और जो ये विशाखा नक्षत्र है एक पुरुष नक्षत्र है। ये 0 डिग्री से लेके 3.20 डिग्री तक होता है। यदि हम एरी से लॉन्गिट्यूड नापें तो एरी से शुरू करें तो 210 डिग्री से लेकर 213.20 डिग्री तक ये विशाखा नक्षत्र का चौथा पद यहाँ पे होता है। जिस बच्चे का जन्म विशाखा नक्षत्र के चौथे पद में होता है उसे सुझाव दिया जाता है कि उसका पहला नामाक्षर तो से शुरू होना चाहिए। इसी तरह इसी राशि का दूसरा नक्षत्र अनुराधा होता है जिसके 4 के 4 पद इसी नक्षत्र में होते हैं, और अनुराधा नक्षत्र एक स्त्री नक्षत्र है और इसका स्वामी शनि है। यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र में पहले पद में पैदा होने वाले बच्चे का नाम ना से शुरू होना चाहिए, दूसरे पद में पैदा हुए बच्चे का नाम नी से शुरू होना चाहिए, तीसरे पद में पैदा होने वाले बच्चे का नाम नू से शुरू होना चाहिए, और चौथे पद में पैदा हुए बच्चे का नाम ने से शुरू होना चाहिए। इसका तीसरा नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र है जिसके 4 के 4 पद इसी नक्षत्र में पाए जाते हैं, इसी राशि में पाए जाते हैं। ये एक पुरुष नक्षत्र है इसका स्वामी बुध होता है। पहले नक्षत्र में पैदा इस नक्षत्र के पहले पद में पैदा होने वाले बच्चे का नाम नो से शुरू होना चाहिए, दूसरे नक्षत्र इसी नक्षत्र के दूसरे पद में पैदा होने वाले बच्चे का नाम या से शुरू होना चाहिए, तीसरे पद में पैदा होने वाले बच्चे का नाम ई से शुरू होना चाहिए, और चौथे पद में पैदा होने वाले बच्चे का नाम यह से शुरू होना चाहिए। इसके अलावा इस राशि के कुछ तत्व हैं। ये राशि एक जलीय राशि है जिसका स्वभाव स्थिर है। ये एक फलदायी राशि है, फर्टाइल राशि है। इसकी दिशा उत्तर की तरफ होती है। इसे जलीय राशि के नाम से भी जानते हैं, जल तत्व की राशि है ये। इसका सेक्स स्त्री है, फीमेल है, ये एक स्त्री राशि है, और ये एक नकारात्मक राशि है, और ये दीपावली है मतलब दिन में इसका बल ज्यादा होता है, और ये दक्षिण में पड़ती है। यदि हम भूगोल की बात करें तो ये दक्षिण स्थित राशि है। यदि मेडिकल में बात करें तो ये कफ में राशि है, कफ प्रवृत्ति की राशि है। यदि हम इंग्लिश महीनों की बात करें तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच बीच ये माघ महीने में पड़ने वाली राशि है। ये राशि दोपहर में बैरी हो जाती है। ये एक सौभ्य, सम और स्त्री राशि है।
एक तामसिक राशि है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी सिलसिलेवार वीडियोस को लगातार देखने के लिए आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।